मुझे एक और बात बताओ, ऑफ कोर्स यू 25 एंड 25 इज अ ग्रेट एज एंड 25 के बाद भी 30, तो अपने आपके लिए क्या प्लान किया है, रोस्टिंग या कुछ और करना है? यूट्यूब, मैं वैसे जो काम करता हूँ मैं फोटोग्राफर हूँ। ओह वाओ, तो तुमने कब ऐसा सोचा था कि यार तुम्हारी पहली पिक्चर कौन सी थी जो मैंने क्लिक की थी? हाँ, मैंने किसी दोस्त की होगी। कौन यार? डीपीपी जो खींचते हैं, हाथ साफ कर रहे होते हैं कैमरे पे, वही क्या होगा? ओ वाओ, तो तुम वो जो सारे दोस्त बोलते, जरा खड़े होकर फेसबुक की डीपी बनानी यार? नहीं यार, वो नहीं, पहले बहुत डीएसएलआर का जमाना था जब नया नया आया था। हाँ, तो उस वक्त वो बहुत बड़ी बात होती थी कि मैंने एक डीपी बनाई है, डीएसएलआर है मेरे पास, और नया नया फेसबुक था तो उसमें बस दोस्तों की पिक्चर्स कैप्चर करते थे और दे देते थे उनको एडिट करके। उस पर ये होता था कि आप काम सीख रहे होते थे तो चलो अच्छी बात है, पर यस, फोटोग्राफी बहुत मुश्किल है, यू नो, इस फील्ड में गेटिंग वर्क एंड मुश्किल होती है। जब आप एक चीज़ सीखते हो तो वो आसान हो जाती है, और आपको शौक हो तो वो कुछ ज़्यादा ही आसान हो जाती है। ओके जी, सो यस, पेरेंट्स की सपोर्ट कैसी थी? पेरेंट्स की सपोर्ट अच्छी थी शुरू से, मतलब मेरे जो वालिद साहब हैं वो, उन्होंने मुझे बोला था कि तुम ये कर लो जो कर रहे हो, हाँ, उसके बाद इसमें जब नाकाम हो जाओ तो फिर, जर्नलिस्ट है मेरे अबू, तो उनका न्यूज़पेपर भी अपना, तो उन्हें बोला था कि आप ऑफिस आ जाओ। मैंने सही है, तो अभी तक नाकाम तो नहीं हुआ, मैं जिस दिन हो जाऊंगा अब वही ऑफिस जाके बैठ जाऊंगा। नहीं नहीं, नाकाम इंसान तब होता है जब वो सोचने लगता है। आई थिंक फेलियर, यू हैव टू फेस फेलियर टू टेस्ट सक्सेस, ठीक है? आपको अगर हर चीज़ प्लेट में मिलती है देन इट्स नॉट, मज़ा भी नहीं उस चीज़ का। हाँ, उस चीज़ का मज़ा भी नहीं है। तो यस, मेहनत करते हैं तब मज़ा आता है, वरना मज़ा खुशी नहीं होती आता आपको। खुशी होती, खुशी नहीं होती आपको। एब्सोल्युटली राइट। टैटू आपके हाथ में दिखाएं, कौन सा वाला है? ये भी प्रोठा है। तो अम्मी ने कभी पूछा ये प्रोठा प्रोठा बेटा, इतना अच्छा नाम मैंने तुम्हें दिया था, पैदा होकर तुम प्रोठा बन गए? नहीं, अम्मी ने कभी नहीं पूछा ऐसा, कभी भी नहीं बोला मुझे। कोई एक ऐसी चीज़ जो घर में अम्मी अभी बोलते हैं यार ये तो बस छोड़ ही दो, कभी ऐसा हुआ घर वालों को ही रोस्ट कर दिया? एक होता है ना, जाते जाते बंदा रोस्ट। नहीं नहीं, घर में इंसान शरीफ होता है बहुत, घर में क्यों रोस्ट करूंगा? नहीं नहीं, फेसबुक थोड़ी हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपने घर का हाल बताती हूँ। मैं कोई दो राय, सिंपल सी बात बताने वाली होती हूँ, मेरी बहन आकर बड़खड़ी हो जाती है, बोलती है ये तुम्हारे टिकटॉक शो नहीं, मैं वो। हाँ ऐसा होता है कि तो एक होता है, बोलती है कि, और कजन वजन बोल देते हैं वो, भाई यहाँ नहीं करो यार रोज, हाँ यहाँ सीधा जवाब दे दो, और आप दे सीधा ही जवाब रहे होते। हाँ, यू आर एक्चुअली टॉकिंग नॉर्मल एंड वो बेचारे ऑफेंड होकर बैठ जाते हैं। सो यस, कभी ऐसा हुआ है कोई एक ऐसा वाकया कुछ ऐसा जो याद हो फनी सा? नहीं नहीं, मैं, मेरी जो सबसे बड़ी वाली बहन है वो मैरिड है, तो मैं उनके घर पे बैठा हुआ, तो मेरे बहनों ही ने मुझे बोला था कि कैसी चल रही है तुम्हारी तफसीली बातें, तो ये मेरा वर्ड है, बताता हूँ, तफसील से बताता हूँ। ओके, तफसील से बताऊंगा, तफसील से बताऊंगा। ओह वाओ, तो जब मुझे बहुत ऑकवर्ड भी लगा था कि यार इन्होंने मेरी वो वाली वीडियो तो नहीं देखी होगी, इन्होंने वो वाली वीडियो तो नहीं देखी होगी, लेकिन फिर आहिस्ता 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 आपको सब सपोर्ट करने लगते हैं कि हाँ यार, जाहिर सी बात है, जब आप दो चीजें होती है, आप सपोर्ट करने लगते हैं, आप बगैरत होते जाते हो, दोनों में पता है। मेरे में तो ये हुआ कि मैं सपोर्ट करने लगा। चलो हाँ, अब बोला बहुत अच्छा चीज है और अच्छी है, अच्छा करते रहो करते रहो। ओके, बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।